कौड़ी के आक्रांता बाबर अकबर औरंगजेब की औलाद, ये कब्जा करके, ये अल्लाह की देन या कब्जा कर ले और हिंदुओं को नरसंहार किया गया, हिंदुओं की जमीन छीनी गई, खेत छीना गया, ये मतलब क्या वक्फ बोर्ड है? उन्होंने हिंदुओं की रक्षा कर पाया देश का संविधान, कहाँ गया था, कहाँ मर गया था उस समय जब 6 लाख हिंदुओं का कत्लेआम करके उन्हें भगा दिया गया था। बाढ़ आती तो RSS वाले जाते हैं वाई नोट में, ठीक है, कौन आता है बचाने के लिए? RSS गए थे वहाँ पे, वहाँ की जमीन सारी खिसक गई थी, वहाँ पे कौन आता बचाने के लिए? कोई आता है? एक मौलाना मुल्ला कोई ट्वीट करता है? ये सब कांग्रेस की बदमाशी है। इस कांग्रेस ने देश को खत्म करने के लिए, सनातन को खत्म करने के लिए 3 मोर्चे पे काम किया। पास होना चाहिए, वो धिक्कार है उन लोगों को जो कांग्रेस को वोट देता हो, उन जैसा नालायक इंसान को यह धरती पे नहीं मिला। ठीक है, बांग्लादेश में जो हो रहा था, इस देश में तो शांति से मिलजुल कर रहे ना सब लोग? जरूर। अच्छा, जब वो आपको ये नहीं पता, इस्लाम में एक मिलजुल कर ही, ठीक है ना, कुछ ही परसेंट थे, 20% हो गए, ठीक है ना, 2-3% थे, 20% हो चुके हैं, वही तलवार रखेंगे, ठीक है ना। किसी को तलवार रखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? एक बताओ, 32 संविधान रखने की जरूरत है? संविधान ने रक्षा कहाँ करी इसकी? कश्मीर के हिंदुओं की रक्षा करी संविधान ने? कहाँ गई सेना इस देश की? कहाँ गया इसका जो सुप्रीम कोर्ट? कहाँ गया इस देश का? क्यों नहीं हिंदुओं की रक्षा कर पाया देश का संविधान? कहाँ गया था? कहाँ मर गया था उस समय जब 6 लाख हिंदुओं का कत्लेआम करके उन्हें भगा दिया गया था? कहाँ गया ये देश का संविधान? संविधान संविधान की बात करते हो आप? NRC थी ये, ठीक है ना, और नियंत्रण कानून में इन्हीं को कोई दिक्कत होती है? ये बताइए, तब संविधान की हत्या नहीं होती है? अरे बहुत ही तानाशाही कर रहा है ना भैया। तानाशाही कर रहा है बांग्लादेश में, मतलब सबको एक साथ लेके चला तो तानाशाही कर रहा है बांग्लादेश में? बांग्लादेश में क्या हुआ ये बताइए? वो तानाशाही है ना, वो तानाशाही है। तानाशाही को हटा दिया वहां से। अगर भारत के अंदर अगर हिंदू हिंसक होता ना तो आज भी ये कह रहे हैं हिंदू, यानी हिंदुओं का काटना मारना तो तानाशाही खत्म हो गई, हिंदुओं का कत्ले हम किया वो तो अग्रवादी उग्रवादी तत्व, आप ये कह रहे हो नहीं, उग्रवादी तत्व है, उनको रोका जा रहा है। तानाशाही खत्म हो गई यानी हिंदुओं का कत्ले हम हो गया, वहाँ हो रहा है कत्ले हम तो तानाशाही खत्म हो गई। बांग्लादेश की जो सिपाही है उठा के कह रहे नारे तकबीर हम तुम्हारे साथ हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट है वो कट्टर मुसलमानों के साथ है, वहाँ के जो सिपाही है वो कहाँ से साथ हो गए? एक करोड़ 25 लाख हिंदुओं को निर्मम हत्या तरीके से की गई वहाँ पे। नहीं वो रोका जा रहा ना भाई, उनको रोका जा रहा, रोका जा रहा, कहीं नहीं रोका जा रहा, घर में बंद हो गए, घर में बंद है। इलेक्टेड गवर्नमेंट जो होती है वो, अब जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, जब हमारा पार्टीशन हुआ था तो हमने किस व्यवस्था को चुना? हमने चुना डिप्लोमेटिक व्यवस्था को, हमने चुना लोकतांत्रिक व्यवस्था को। पाकिस्तान ने किसको चुना? मिलिट्री ऑर्डर को, वहाँ मिलिट्री सुप्रीम, वहाँ मिलिट्री का कमांडर इस्लामिक गणराज है ना वो, हाँ मतलब वहाँ पे मिलिट्री कमांडर सुप्रीम होता है, ठीक है, लेकिन इस्लामिक गणराज है। मतलब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर उतना पावर नहीं होता जितना इतना मिलिट्री के कमांडर को होता है। तो हमारा जो देश है हमेशा मिलजुल के रहने वाला देश है, और यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। आप जो कहते हैं जो अराजक है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है, उसको कंट्रोल करना पड़ता है गवर्नमेंट को, पर इसका मतलब ये नहीं है हिंदू जो है वे ऑफ लाइफ है, इसका मतलब हिंदू को वो मत लीजिए कि आप सबको अपनी वे ऑफ लाइफ जीने की, हिंदू मुस्लिम हो सिख ईसाई सब भाई भाई। एक बार बताओ यार, वहाँ पे मंदिरों को तोड़ा गया, वहाँ पे पत्थर मारे गए, वहाँ पे प्रतिमा तोड़ी गई, वहाँ पे बहन बेटी को रेप किया गया बर्बरता के साथ, ये लगाओ आप बताओ, बोलो आप बोलो। एक प्रसन्न आ रहा है रघुपति राघव राघव राम, पति पार पिता राम, जो भी था, ऐसा करो वो नारा ले जाओ 500 बार बांग्लादेश में, और 500 चक्कर ले जाओ बांग्लादेश के अंदर, फिर बताना कि हिंदू क्या भला है क्या बुरा है। अरे बस सन में मतलब वहाँ पे रघुपति राघव राजा राम देश बचा गए, नथु राम ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम तुम होंगे भैया। तो भैया काम करो, वो नारा बांग्लादेश ले जाओ, वहाँ की सत्ता सुल जाएगी। सही कह रहे हैं भैया, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, ये केवल और यहाँ ये ड्रामा, ये सब कांग्रेस की बदमाशी है। इस कांग्रेस ने देश को खत्म करने के लिए, सनातन को खत्म करने के लिए 3 मोर्चे पे काम किया। उन्होंने संविधान बदल करके तो मतलब हिंदुओं को बिल्कुल निचले स्तर का नागरिक बना दिया गया, और मुसलमान सबको बराबर अधिकार है निचले। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? संविधान कह रहा है कौन? नहीं संविधान तो नहीं कह रहा, हिंदू निचले लेवल का संविधान में वक्फ वोट दे दिया, आपको ये पता होना चाहिए, वक्फ वोट दे दिया समय, और जिसमें किसी भी जमीन पर वो अपना कब्जा कर सकता है मुसलमान, उन्हें ये अधिकार प्राप्त दे दिया। आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ये बराबर का संविधान ने अधिकार दिया है, बराबर का माइनॉरिटी में दिया है, माइनॉरिटी में उन्हें जो भारत का धन है वो लूट लूट के दिया, जो टैक्स का पैसा है, जो अपनी मेहनत का पैसा है, नहीं वो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है ना जो उनके पास है। नहीं कौन कह रहा है क्या? एक मिनट, एक ये तमिलनाडु में जो किसानों की जमीन थी पूरे गाँव की, और उस पर कब्जा अपना दिखा दिया
का हमारा वक्फ बोर्ड की जमीन है क्या उनके भाई जो 1500 साल पहले जब इस्लाम का जन्म ही नहीं हुआ था उससे भी पहले अपना कब्जा दिखा रहे हैं, तो आप कैसे कह रहे हो? वो भी सी कह रहे हैं, एक दो उदाहरण से सारे को थोड़े बदनाम कर सकते हो, एक दो उदाहरण से 9 लाख प्रॉपर्टी पे आप दावा कर लोगे? अरे कमाल हो गया इसका, तो गलती हो ही जाती है। रिलायंस की भी गलती हो गई, रिलायंस का हुआ भी अपने कब्जे में कर लिया और यूपी में वो कर लिया, कब्जा कर लिया। हमारे तो 40,000 मंदिरों पर जो कब्जा कांग्रेस ने जो बदमाशी की थी 1991 का वक्फ बोर्ड अधि वो क्या कहते हैं नियम बना गए, हाँ ये नियम बनाया था, किया था ना वो गलत था ना। ये बताओ 1991 वर्सिप एक्ट बनाया था, वो हिंदुओं का नाश करने के लिए तो कांग्रेस ने बनाया था, नहीं था वो अल्पसंख्यक को थोड़ा सा मजबूती देनी चाहिए ना। क्या मजबूती? ये मजबूती यानी हमारी जमीन को छीन करके उन्हें दे दिया जाए, जो कब्जा इन मुगलों ने हम पर कब्जा किया था उसको कब्जा को रेगुलराइज किया जाए। ये बदमाश दो कोड़ी के अक्रांता बाबर अकबर औरंगजेब की औलाद, ये कब्जा करके ये अल्लाह की देन या कब्जा कर लिया और हिंदुओं को नरसंहार किया गया, हिंदुओं की जमीन छीनी गई, खेत छीना गया, ये मतलब क्या वक्फ बोर्ड है? ये वक्फ बोर्ड है क्या? कौन सा वक्फ बोर्ड काम आ रहा है? जब बाढ़ आती तो आरएसएस वाले जाते हैं वाई नोट में, ठीक है, कौन आता है बचाने के लिए? आरएसएस गए थे वहां पे, वहां की जमीन सारी खिसक गई थी वहां पे, कौन आता बचाने के लिए? कोई आता है? एक मौलाना मुल्ला कोई ट्वीट करता है? यार सब कर देश में सभी ऐसा नहीं है, सबको बराबर आकर दिखा रहा, सब आते हैं ऐसी बात बराबर होता ना। तो मेवात के नूह में जो पहले शिवरात्रि के दिन थी वहां पे 5,000 बटालियन नहीं लगी होती, ठीक है ना, सारी व्यवस्था करनी पड़ती। माइनॉरिटी बिल क्या ये बराबर का अधिकार देता है? आपको पता है 1992 में माइनॉरिटी एक्ट जो लेकर के आए थे कांग्रेस ही, मैं तो ये कहता हूँ इस देश का एक इतना नाश होना चाहिए, वो धिक्कार है उन लोगों को जो कांग्रेस को वोट देता हो, उन जैसा नालायक इंसान को यह धरती पे नहीं मिलेगा। अरे यार सबको अपना अपना अधिकार है, कोई किसको दे क्यों भाई, कोई किसको वोट दे रहा है, किसका क्या मतलब है? जो देश को खत्म करना चाहते हो हम उन्हें वोट देंगे, जो हमारे सनातन को खत्म करना चाहती है कांग्रेस हम उसे। आपकी राय हो सकती है, इनकी राय हो सकती है, इनकी नहीं है, किया नहीं है क्या? वर्सिप एक्ट बना करके क्या किया है? आज सारे जो जिन मुगल आक्रांताओं के नाम पर आज भी सड़कें जाके देखो ना, अरे अच्छा रहे ना इस देश को, क्या है क्यों बादशाह रहे? यानी वो बादशाह है लुटेरे जिन्होंने हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी, हमारा धन लूटा, वो जाकर के जो है ले गए विदेशों में सोने को लेकर के, वो जो है राजा होंगे हमारे। स्कूल में पढ़े हैं आप तो सरकार, अब बीजेपी से पहले तो कांग्रेस नहीं बने सारे स्कूल। 10-10 ठो ब्याह करने वाले को अगर आप बादशाह बता रहे हैं, नहीं था बादशाह, लड़कों के साथ हनीमून मनाने वाले छक्के को अगर आप बादशाह बता रहे हैं तो आप कांग्रेसी स्कूल के ही डिग्रीधारी होंगे, हमको पक्का पता है। कमाल करे, तुम कौन सा बीजेपी वाले